हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक कोडर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन के बारे में, नेस्ट जेएस ऑथेंटिकेशन के बारे में। इस वीडियो के मैं हम बनाने वाले हैं लॉगिन एंड साइन अप एपीआई, और हम देखेंगे कि कैसे हम अपने यूजर की डिटेल, नेम, ईमेल, पासवर्ड को अपने डेटाबेस यानी MongoDB में कैसे सेव करा सकते हैं, और हम देखेंगे कि कैसे हम अपने पासवर्ड को हैश कराएंगे। हम बीक्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज करने वाले हैं पासवर्ड को हैश कराने के लिए, और हम देखेंगे कि कैसे हम सर्वर साइड पर कुकी सेव करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे नेस्ट जेएस का फोल्डर स्ट्रक्चर है, जहाँ पे SRC के अंदर एक ऐप और कंपोनेंट नाम की डायरेक्टरी, ऐप के अंदर लॉगिन एंड साइनअप के दो पेजेस बने हुए हैं, और कंपोनेंट्स में दो कंपोनेंट हैं लॉगिन और साइनअप, और ये लोकल हो 3000 पर रन हो रहा है, जहाँ पे लॉगिन और साइनअप के दो पेजेस हैं सिंपल। और अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है यहाँ पे, मोंगोज, वीक्रिप्ट और जेसन वेब टोकन। जो ये मोंगोज है, ये मोंगोज हमें MongoDB से कनेक्ट करने में और स्कीमाज लिखने पर हेल्प करेगा बीक्रिप्ट पासवर्ड को हैश करने में। मैं आपको दिखा देता हूँ बीक्रिप्ट लाइब्रेरी। ये बीक्रिप्ट लाइब्रेरी है जो हैशिंग टेक्निक का यूज़ करके पासवर्ड को बीक्रिप्ट करती है। हमारे जैसे कि क्या है, कोई मान लीजिए कोई डेटाबेस हैक हो जाता है तो आपका एग्जैक्ट पासवर्ड किसी को, और तीसरी है जेसन वेव टोकन, ये हमें टोकन जनरेट करने में हेल्प करेगी। तो हम ये तीनों पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे तीनों पैकेज हैं जो इंस्टॉल हो चुके हैं, बीक्रिप्ट, मोंगोज और जेसन वेव टोकन। अब इस टर्मिनल को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और ऐसा ऐप के अंदर हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं API नाम से, API, और इस API के अंदर दो डायरेक्टरी, लॉगिन एंड साइनअप। और इनके अंदर route.ts नाम की फाइल, और अब हम क्या है फंक्शन लिखते हैं अपने लॉगिन एंड साइनअप के लिए। तो फंक्शन कैसे लिखते हैं Next.js में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं नेस्ट रिस्पॉन्स को इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमें गेट के लिए फंक्शन लिखना है, तो एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन गेट, और पोस्ट के लिए लिखना है तो एसिंक फंक्शन पोस्ट। तो हमने क्या किया, सिंपल दो फंक्शन क्रिएट किए लॉगिन एंड साइनअप के लिए। और अब हम क्या करते हैं डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ऐप डायरेक्टरी के बाहर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, db, और इस db के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं config.ts। और हमें क्या करना है, सबसे पहले मोंगोज को इंपोर्ट करना है क्योंकि हमने इंस्टॉल किया था। और उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे connect.db के नाम से, जो क्या करेगा हमारे ऐप को डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। और इसके अंदर mongoj.connect, और यहाँ पे डेटाबेस का URL, और ये होगा जो एसिंक्रोनस है, तो हम ट्राई कैच का यूज करने वाले हैं जिससे कोई भी एरर आए तो हमें पता लग जाएगी डेटाबेस कनेक्ट एरर, और एरर को हम console.log करेंगे, और इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से connect.db। अब हम क्या है अपना MongoDB कंपास ओपन करेंगे और इसका URL देंगे MongoDB कंपास का। आप ओरिजिनल जो अपना डेटाबेस है उसका भी दे सकते हो URL, वो सेम ही काम करता है। और इसके बाद इसके अंदर हम एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम दे देंगे नेस्ट ऑथ, और इसमें कुछ भी नेस्ट ऑथ। और अब हमें क्या करना है, अब हमें मॉडल्स क्रिएट करने हैं, मॉडल्स और स्कीमा। तो हम क्या करेंगे SRC के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे मॉडल्स, और इसके अंदर यूजर मॉडल्स .ts। और सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है मोंगोज को,
उसके बाद हम एक स्कीमा क्रिएट करेंगे, यूजर स्कीमा न्यू। और स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा। और इसके अंदर पहला हम जो स्कीमा क्रिएट करेंगे यूजर के लिए वो है नो का नेम, और नेम को हम टाइप देंगे स्ट्रिंग। और रिक्वायर्ड ट्रू कि नेम रिक्वायर्ड होगा। ईमेल को भी टाइप हम क्या देने वाले हैं, स्ट्रिंग। और रिक्वायर्ड ये भी ट्रू, और ये यूनिक ईमेल है जो यूनिक होगा, तो यूनिक के लिए हम ट्रू कर देंगे इसको। जो और तीसरी फील्ड हमारी होने वाली है पासवर्ड की, तो पासवर्ड को हम टाइप देंगे स्ट्रिंग रिक्वायर ट्रू, और यूनिक नहीं हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यूजर का एक मॉडल क्रिएट करना है। इसके लिए मॉडल क्रिएट करना है, तो मॉडल क्रिएट करने के लिए मोंगोज डॉट मॉडल, और यहाँ पर नाम देंगे यूजर, और इस स्कीमा को यहाँ पर पास कर देना है। और हम इस यूजर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है, तो ये हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है यूजर के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ऐप के अंदर अपने एपीआई के अंदर डायरेक्टरी के अंदर साइनअप वाली जो फाइल है उसमें route.ts के अंदर यहाँ पे आएंगे, और हम जो यूजर जो भी डेटा सेंड करेगा मतलब बॉडी को गेट करेंगे। और बॉडी को गेट करने के लिए सर क्या करते हैं, request.json। और हम चेक करेंगे कि सबसे पहले हम डीस्ट्रक्चर करेंगे डेटा को, नेम ईमेल और पासवर्ड को बॉडी से। और हम चेक करेंगे कि इनमें से कोई भी अगर फील्ड नहीं है तो फंक्शन यहीं से रिटर्न हो जाए, ईमेल और पासवर्ड। तो रिटर्न कर देंगे हम इसको nestresponse.json मैसेज इनवैलिड फील्ड्स, और यहाँ पे स्टेटस पास कर देंगे 400 या 4, जो भी स्टेटस कोड होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। कि अगर यूजर नेम ईमेल और पासवर्ड नहीं डालता है तीनों फील्ड्स, तो वो फंक्शन यहीं से रिटर्न हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें चेक करना है कि जो यूजर ईमेल डाल रहा है साइनअप के लिए वो ईमेल अगर पहले से वहाँ पर प्रेजेंट है डेटाबेस में, तो हमें क्या करना है, तो भी हमें रिटर्न कर देना है फंक्शन को। तो हम बना कॉन्स्ट इज यूजर प्रेजेंट, और यहाँ पे अवेट यूजर जो हमारा मॉडल है उसको इंपोर्ट कर लिया, और फाइंड वन, और यहाँ से ईमेल को पास कर देंगे इसमें कि अगर एज यूजर प्रेजेंट है, अगर यूजर पहले से प्रेजेंट है उसमें, मतलब कि पहले से ईमेल अगर सेम है तो हम नहीं चाहते कि एक ईमेल से दो कैसे लॉगिन कैसे साइन अप हो सकता है, तो हम यहाँ से इसको रिटर्न करा देंगे .json यूजर इज प्रेजेंट, और यहाँ पे एक स्टेटस कोड पास कर देंगे। अगर हमारा यूजर प्रेजेंट नहीं है मतलब उसका ईमेल यूनिक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये ईमेल यूनिक है तो हम क्या उसके जो पासवर्ड है उसको विक्रिप्ट कराएंगे, और उसके बाद उसको डेटाबेस में सेव कराएंगे। तो पासवर्ड को विक्रिप्ट कैसे कराते हैं, तो मैंने बताया था मतलब सॉरी पासवर्ड का हैश कैसे कराते हैं, तो विक्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज करके है। तो यहाँ पे फंक्शन होता है विक्रिप्ट.hash, हैश के अंदर आपका जो भी पासवर्ड है, और दूसरा सॉल्ट राउंड, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, कॉन्स्ट हैश पासवर्ड विक्रिप्ट डॉट हैश, और इंपोर्ट कर लेंगे बीक्रिप्ट को फ्रॉम बीक्रिप्ट और बीक्रिप्ट डॉट हैश, और यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है और दूसरी चीज़ सॉल्ट राउंड वो 10 पास कर देंगे हम, और ये अवेट यूज करने वाले हैं इसके लिए, क्योंकि ये भी एसिंक्रोनस प्रोसेस होती है। जो अब जो हमें हैश पासवर्ड मिलेगा उस हैश पासवर्ड को हम अपने डेटाबेस में सेव कराने वाले हैं, तो हम ट्राई कैच का यूज कर लेंगे यहाँ पे ch एरर, और ट्राई के अंदर अवेट और
के अंदर न्यू यूजर और इसके अंदर ईमेल नेम और पासवर्ड में हमें क्या पास कराना है, पासवर्ड हम जो ये हैश पासवर्ड है, यूजर और इस यूजर को हम क्या करेंगे, यूजर डॉट सेव। तो हम डेटाबेस में कैसे सेव कराते हैं, हम क्या करते हैं न्यू यूजर जो भी वो मॉडल है उसका नाम है और उसके अंदर पास कर देते हैं ईमेल और नेम की जगह नेम और पासवर्ड की जगह जो हैश पासवर्ड है और अवेट यूजर डॉट सेव। उसके बाद कि अगर कोई दिक्कत आ रही है, मतलब कि पैटर्न मैच नहीं हो रहे तो एरर में आते हैं, एरर में थ्रू करता है तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, यहाँ पे मैसेज एरर और यहाँ पे स्टेटस कि डेटाबेस है ऐसा इंटरनल सर्वर एरर है। और इसके बाद हम क्या करते हैं यूजर डॉट सेव, यूजर डेटाबेस में सेव हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टोकन जनरेट कराएंगे। तो टोकन जनरेट कैसे कराते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं जेसन वेब टोकन लाइब्रेरी। और जेसन वेब टोकन में क्या होता है, एक फंक्शन होता है JWT.sign, इसके अंदर जो भी आपको फील्ड पास करनी है और एक प्राइवेट की होती है, ठीक है। तो JWT को हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले, JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन और JWT. तो हम क्या करेंगे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए, JWT.sign और साइन के अंदर हमें क्या करना है पास कर देंगे, और कौन कौन सी फील्ड पास करेंगे और साइन के अंदर वही फील्ड पास करनी है जैसे हमने नेम और ईमेल को पास कर दिया ना, तो इस टोकन के अंदर जो डेटा रहेगा वो रहेगा नेम और ईमेल हमारा यूजर का। और यहाँ से टोकन और यहाँ पे एक सीक्रेट की पास करनी है, आप कुछ भी सीक्रेट, आप कोई भी सीक्रेट की दे सकते हो अपने, और उसको ध्यान रखना है सीक्रेट की, क्योंकि उस सीक्रेट की के बेस पे आपके जो भी टोकन है उसको कोई भी न्यू टोकन जनरेट कर सकता है या उसको चेंज कर सकता है। और ये JWT ऐसे इंपोर्ट नहीं होगा, ये सिंपल ऐसा JWT, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने टोकन जनरेट करा लिया, उसके बाद हमें इस टोकन को कुकीज में सेव कराना, और कुकीज में सेव कराने के लिए हम कैसे सेव करेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज यूजर सक्सेसफुल क्रिएट और यहाँ पे एक स्टेटस कोड रिस्पॉन्स कुकीज डॉट, इसके अंदर एक मेथड होता है सेट, उसमें टोकन को हमें पास करना है। सिंपल कैसे सेव कराते हैं, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज डॉट सेट और इसके अंदर टोकन और इसको रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स को। तो ये हमारे साइनअप के लिए जो फंक्शन है क्रिएट हो चुका है। तो ये मेरी साइनअप वाली जो API है क्रिएट हो चुकी है। और जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था और MongoDB कंपास में जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था और मैंने यहाँ पे MongoDB कंपास का लिंक दे रहा तो क्या है, ये मेरा डेटा बफर कर रहा था। इस वजह से मैंने क्या किया, जो अपने MongoDB क्लाउड का जो MongoDB डेटा वेस है उसका लिंक यहाँ पर डाल दिया। और अब न्यू रिक्वेस्ट जो थंडर क्लाइंट है और यहाँ पर आकर हम चेक करेंगे, यहाँ पर नेम जैसे नेम ईमेल कुछ भी ईमेल आपने दे दिया, जैसे कुछ भी ईमेल आपने डाल दी .com और पासवर्ड आपने डाला, और जब पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो आपको यूजर सक्सेसफुली क्रिएट। और अब यहाँ आके आप देखोगे तो आपको अपने डेटाबेस में मिल जाएगा, आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो ये आपका जो यूजर है वो क्रिएट हो चुका है, देखो दो ऑब्जेक्ट। और ये जो हमारा पासवर्ड है, ये हैशिंग जो टेक्निक है, मतलब विक्रिप्ट लाइब्रेरी के थ्रू जो पासवर्ड हैश हो चुका है, ठीक है। और हैश तो अब हम क्या करते हैं, साइनअप के लिए हमने API क्रिएट कर लिया, अब हम क्या करते हैं लॉगिन के लिए क्रिएट करते हैं। लॉगिन के लिए भी लगभग सेम ही है सारा कोड, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं एज इट इज और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला है तो एक काम करते हैं ना, इस पूरे को हम ट्राई के अंदर रैप करा देते हैं और ऐसे ही इसमें भी जैसे कोई भी एरर होगा तो वो कैच ब्लॉक में अपने आप कैच कर लेगा, जितने भी प्रोमिसेज हैं वो अपने आप हैंडल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन ईमेल और लॉगिन में क्या होगा, यूजर ईमेल और पासवर्ड सेंड करेगा और नेम है जो सेंड नहीं करेगा, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड के थ्रू ही लॉगिन होगा।
अगर ईमेल पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर दे देगा कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स या इनवैलिड सेल्स, ठीक है। और अगर यूजर प्रेजेंट है पहले से, अब यहाँ पे क्या थोड़ा चेंज है, कॉन्स्ट इज यूजर प्रेजेंट, अगर यूजर प्रेजेंट नहीं है तो ईमेल, अगर हम ईमेल से जैसे डेटाबेस में चेक कर रहे हैं और वो ईमेल है डेटाबेस में नहीं है मिल रहा उसको, तो क्या है कि यूजर के जो या तो ईमेल ही गलत है ना, इनवैलिड ईमेल, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक एसएम एरर थ्रो करा देंगे कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अगर यूजर प्रेजेंट है, अगर यूजर प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, तो हमें उसके पासवर्ड को मैच करना है। हम क्या करते हैं, पासवर्ड को मैच करने के लिए bcrypt लाइब्रेरी में एक फंक्शन होता है bcrypt.compare, यहाँ पे मिल जाएगा bcrypt.compare, और इससे हम अपने पासवर्ड को कंपेयर कर सकते हैं दोनों पासवर्ड। जैसे ही यूजर यहाँ करेगा तो इज यूजर प्रेजेंट के अंदर हमें वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा उसका जो भी डेटा होगा। अगर वो डेटा नहीं है यूजर का तो इसका मतलब कि उसका ईमेल रॉन्ग है, और अगर है तो हम उसको क्या है पासवर्ड को मैच करा लेंगे। तो क्या करेंगे, अवेट bcrypt.compare, और bcrypt.compare के अंदर अगर हम देखें तो माई प्लेन पासवर्ड और दूसरा हैश पासवर्ड, ठीक है। तो इज यूजर प्रेजेंट डॉट पासवर्ड और दूसरा है, सॉरी यहाँ पे होगा पासवर्ड प्लेन पासवर्ड और इज यूजर प्रेजेंट डॉट पासवर्ड और bcrypt.compare में दोनों को कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैच है हो रहा है, दोनों पासवर्ड सेम है, कॉन्स्ट इज मैच, मतलब कि अगर दोनों पासवर्ड जो सेम है या जो यूजर ने पासवर्ड सेंड किया और जो हमारे पास जो पासवर्ड है वो सेम है दोनों, तो हम क्या करा देंगे कि हम क्या करेंगे कि पासवर्ड है जो सेम है तो यूजर और लोग मतलब उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो सेम हैं, तो मतलब यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, फुल लॉगिन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके लिए एक टोकन जनरेट कराना है। तो टोकन जनरेट कैसे करेंगे, एक नेम वाली फील्ड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एज यूजर प्रेजेंट डॉट नेम, तो ये दिखा रहा है इज यूजर प्रेजेंट डॉट नेम, यहाँ से ही क्या काम करते हैं सिंपल, कॉन्स्ट नेम टू इज यूजर प्रेजेंट डॉट नेम, ठीक है। और इस नेम को पास कर देते हैं JWT डॉट साइन में कि नेम और उसका ईमेल के बेस पर क्या एक टोकन जनरेट हो जाएगा, और वो टोकन क्या करेगा, उस टोकन को हम कुकीज में सेव करा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे यूजर सक्सेसफुल लॉग इन, और वो टोकन है हमारी जो कुकीज हैं उस कुकीज में वो टोकन सेव हो जाएगा, सिंपल। तो एक बार हम ट्राई करते हैं इसको, तो सबसे पहले लॉगिन और नेम को हटा देते हैं, ईमेल यही रहेगा, ईमेल और पासवर्ड, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये बोल रहा है कि यूजर सक्सेसफुल लॉगिन, क्योंकि क्या होगा कि यूजर लॉगिन हो जाएगा और जो कुकीज में जो टोकन है वो कुकीज में सेव हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे लॉगिन और साइनअप के पेजेस हैं, लॉगिन और साइनअप वाले जो हमने पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, इनमें हमने यहाँ पे पाथ दे रखा है कि API/login और साइनअप वाले में API/signup। तो हम चलते हैं ब्राउजर में और देखते हैं लॉगिन वाला या साइनअप वाला, देखते हैं कि हम एक यूजर को साइनअप करने का ट्राई करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, साइनअप करने की का ट्राई करते हैं, तो हम कुछ भी नाम डाल देते हैं XYZ, ईमेल डाल देते हैं कुछ भी, और पासवर्ड डाल देते हैं। जैसे ही हम साइनअप करने की कोशिश करेंगे तो सबमिट करेंगे तो हमारी जो लोकल कुकीज है यहाँ पर एक टोकन सेव हो जाएगा, यूजर सक्सेसफुली क्रिएट ओके, और ये हमारी कुकीज में टोकन सेव हो। ऐसे ही सेम जैसे ही हम लॉगिन करने का ट्राई करेंगे हमारा यूजर लॉगिन हो जाएगा और हम जो कुकीज में टोकन सेव हो जाएगा। दैट्स इट आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।